दोस्तों चलिए बात करते हैं एक ऐसे फूड के बारे में जिसकी तारीफ पूरी दुनिया भर में की जाती है। इसमें इतनी ज्यादा क्वालिटी होती है कि टाइम मैगजीन ने इसको हेल्दी फूड की लिस्ट में चौथे नंबर पर रखा था। इस फूड का नाम है ब्रोकली। दोस्तों ब्रोकली वैसे तो ज्यादातर अमेरिका और यूरोपियन देशों में खाई जाती थी, पर अब ये भारत में भी बहुत आसानी से मिलने लगी है। आप इसे किसी भी सब्जी मार्केट में आराम से खरीद सकते हैं और ये काफी सस्ती भी होती है। फूलगोभी की तरह दिखने वाली ब्रोकली में कई सारे गुण पाए जाते हैं। ये खाने में भी टेस्टी होती है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि किडनी के पेशेंट भी इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। दरअसल में हर किडनी के पेशेंट की डाइट बिल्कुल अलग होती है। उनकी डाइट डिजाइन की जाती है इस आधार पर कि उनकी किडनी की बीमारी किस स्टेज पर पहुंच गई है। ऐसे किडनी के पेशेंट जिनकी किडनी की बीमारी शुरुआती स्टेज पर होती है, उनके खान पान पर ज्यादा रोक टोक नहीं लगाया जाता। वो ज्यादातर चीजें खा सकते हैं, पर जैसे जैसे उनकी किडनी की बीमारियां प्रोग्रेस करती जाती है, उनके खाने में रोक टोक लगनी चालू हो जाती है। उनको ऐसी चीजें अवॉइड करनी पड़ती हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा ना हो, जिनमें फास्फोरस ज्यादा ना हो और जिनमें सोडियम या प्रोटीन भी ज्यादा ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके शरीर में सिर्फ इकट्ठा होती जाएंगी और किडनी ढंग से काम ना कर पाने के कारण ये आपके शरीर से निकाली नहीं जा पाएंगी। ऐसे में ब्रोकली आपके लिए एक बहुत अच्छा फूड का ऑप्शन हो सकता है। चलिए जानते हैं कि ब्रोकली खाने से एक पीकेडी के पेशेंट में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ब्रोकली में सबसे अच्छी चीज होती है विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा विटामिन होता है जिससे हमारे शरीर की नसें स्ट्रांग बनती हैं। शरीर की नसें जितनी स्ट्रांग रहेंगी उनके टूटने का खतरा उतना ही कम होता जाएगा, साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत अच्छा होता जाएगा। जब किडनियों में तरह तरह के सिस्ट बन जाते हैं तो अंदरूनी नसें फटने का खतरा बना रहता है। ये काफी जानलेवा चीज हो सकती है और एक किडनी के पेशेंट को इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी खून की नसें बहुत सही बनी रहे। ऐसे में ब्रोकली आपकी बिल्कुल मदद कर सकती है। ब्रोकली आपकी खून की नसें इतनी स्ट्रांग कर देंगी कि उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी ओके बना रहेगा। ब्रोकली में विटामिन सी की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। विटामिन सी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता रहता है। हमारे शरीर को किडनी की बीमारी के दौरान स्ट्रांग रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इस दौरान अगर हमें कोई बाहरी बीमारी जैसे कि सर्दी खांसी वगैरह लगती गई तो हमारी किडनी पर और ज्यादा जोर लगता जाएगा, साथ ही साथ किडनी की बीमारियों से ध्यान भी भटकता जाएगा। इसमें मौजूद विटामिन सी खाकर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। आपके किडनी का फंक्शन भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकता है और किडनी फेलियर का प्रोग्रेशन भी धीरे किया जा सकता है। ऐसे में ज्यादा समय मिलने के कारण आपकी किडनी का इलाज भी भरपूर तरीके से किया जा सकेगा। इसमें मुझे एक और अच्छी चीज होती है फ्लेवोनॉइड। देखिए किडनी की बीमारी के दौरान दिल भी स्ट्रांग रखना जरूरी होता है, क्योंकि दिल और किडनी दोनों साथ ही मिलकर इंसान को जिंदा रखने का काम करते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी चीज खराब हो गई तो दूसरी चीज पे अपने आप ही बुरा असर पड़ने लगता है। ब्रोकली में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स आपके इसी काम आ सकते हैं। ये आपकी दिल से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को दूर करते रहेंगे और आपका दिल स्ट्रांग बना रहेगा तो आपकी किडनियां भी स्ट्रांग होती जाएंगी। ब्रोकली के कई सारे और भी फायदे होते हैं, जैसे कि आपका वेट कम करने में मदद करता है, आपको कई तरीके के कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी कि इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। पर तब भी ऐसे किडनी के पेशेंट जिनकी किडनी की बीमारी एंड स्टेज पर पहुंच चुकी है, उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। दरअसल में इसमें भी पोटेशियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, तो ऐसे किडनी के पेशेंट जिन्हें पोटेशियम बिल्कुल ही मना कर दिया होता है, उन्हें ब्रोकली से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। क्या खाएं क्या नहीं, इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी होती है, इसलिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर और एक्सपर्ट डाइटिशियन की फ्री कंसल्टेशन के लिए आप नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर कर्मा आयुर्वेदा को कॉल कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसा संस्थान है जिन्होंने देश विदेश में फैले 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों का सफलता से इलाज कर दिखाया है।